पिछले लंबे समय से पेट्रोल डीजल की कमर तोड़ महंगाई का अटैक लगातार जारी है। एक बार फिर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, जिसने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट देखिए। लगातार बढ़ती महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ दी है। रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों ने लोगों को परेशान कर दिया है कि इस महंगाई के दौर में अपना गुजर बसर करें भी तो कैसे। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और दिल्ली में 25 पैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने पर कीमत 102.64 रुपए प्रति लीटर, तो डीजल के दाम 30 पैसे बढ़ने से कीमत 91.07 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। मुंबई में भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पाई गई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 108.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल 98.80 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.64 रुपए हो चुकी है, जबकि डीजल 91.07 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 108.67 रुपए है और डीजल 98.80 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.36 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 94.17 रुपए बिक रहा है। चेन्नई में 100 रुपए को पेट्रोल पार कर चुका है और डीजल का दाम 95.59 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में तेल की कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया है। पेट्रोल और डीजल खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर होता दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। आए दिन आसमान छू रहे तेल के दामों को लेकर लोगों की क्या राय है, आज आप खुद सुनिए। तकलीफ क्या है साहब, अभी देखो 4 साल में इतना रेट बढ़ गया, अभी बढ़ते जा रहा। अभी क्या है, 1 महीने से क्या है 105.25 रुपए था, अभी एकदम सडन बढ़ा दिए। अब ऐसा बढ़ाते रहे तो कैसा होगा। अब क्या है, पहले 1000 रुपए का डाले तो 15 लीटर आ रहा था, अब 1000 रुपए का डाले तो 8 लीटर आ रहा। हाँ, ऐसा करे तो कैसा होगा। कारोबार तो पहले ही वजह साढ़े लॉकडाउन ने कमर तोड़ी पी है, कुछ गवर्नमेंट ने कमर तोड़ी पी है, कभी 50 रुपए रेट घटा देंगे, कभी 2 रुपए बढ़ा देंगे, इन्ना कोई सिस्टम ही है नहीं गा। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर हमारा आना जाना बिल्कुल ईजिली था, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। अभी रिसेंटली 2 रुपए प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अभी फिर बढ़ गया, तो आप मानोगे पहले ही रेट इतना ज़्यादा था तो अभी हमें एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 2 रुपए और ज़्यादा बढ़ गया है तो हम सोचते हैं कि हमारे जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट जो सैलरी की इनकम है हमारी वो वहीं पर रुकी हुई है, तो उससे बहुत बड़ा एक लॉस है हमें। जाहिर सी बात है, बढ़े दामों को लेकर लोगों में नाराजगी तो होगी ही, क्योंकि लोगों का कहना है कि इतनी आमदनी नहीं है और खर्च जेब से ज्यादा है। देखना होगा कि तेल के दामों में लगती आग कहां जाकर थमती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।